बहुत अच्छे बच्चों, तुम सबके खेल और जज्बे को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि कल का मैच हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये! बेचारा बालवीर, नहीं जानता वो कि हम खेल में प्रयोग करेंगे अपनी जादुई शक्तियाँ, जिससे हमारी जीत तय है और फिर हम पिपी लोक के गोले को कर देंगे नष्ट। ये भी है बस। डुबा डुबा पाँच फेंको तेज गेंद। अरे हाँ हाँ, डुबा डुबा तीन। हाँ हाँ, जल्दी रुको। अरे क्या कर रहे हो डॉट भाई तुम? अरे मारने के लिए गेंद है, चाहिए शक्ति। गए समान, अब डालो तुम गेंद, जाओ पीछे। हाँ बराबर, डालो। वो खेल रहे तुम लटपट परी से जादुई गेंद लेकर? हाँ, जैसे तुम खेल रहे हो लटपट परी से जादुई बल्ला लेकर। हाँ हाँ, अब है बल्लेबाजी की बारी मेरी। हाँ, हेटिक हेटिक। रानी परी, लटपट परी सच में बहुत नटखट है। देखा कैसे नए नए और अनोखे आविष्कार करती है। बालवीर, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी कल की प्रतियोगिता को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है? इसका मतलब आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हैं, है ना बालवीर? हाँ रानी परी, क्योंकि एवीपी विद्या मंदिर के बच्चे शरारती लोक के वासियों से ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम राजा हसमटोल के दल को आसानी से हरा देंगे और पृथ्वी लोक को भी बचा लेंगे। क्योंकि इस प्रतियोगिता के बारे में या तो हमें या फिर परग्रहवासियों को ही पता है, इसलिए हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो जो भी है, अच्छा अब हमें बस उन एलियंस को हराकर अपनी धरती को बचाना है। और हाँ, मैं धरती को बचाकर सबकी नजरों में हीरो बन जाऊंगा। ओ हीरो बनने वाले, पहले अपनी लेस बांध ले वरना गिर जाएगा कहीं। हीरो। We'll be right back.
राजा हसमटोल, ये प्रतियोगिता 10-10 ओवर की होगी। जो भी अपनी पारी में सबसे ज्यादा रन बनाएगा वही जीतेगा। अब सिक्का उछल कर देख लेते हैं कि कौन पहले क्या करेगा। इक्का इक्का इक्का, ये है शरारती लोग का सबसे पुराना सिक्का, क्योंकि इसकी एक तरफ है आज और दूसरी तरफ है बाद। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, आज या बाद? जीत गए हम टॉस। अब करेंगे हम थोड़ी चैटिंग। बॉलिंग ले या बैटिंग? बैटिंग हम करेंगे, बैटिंग। आल बाल चाल, तुम सबको है पूरी छूट। करो अपनी शक्तियों का जमकर प्रयोग। ओला ओला ओला, छल से या बल से, मुझे चाहिए हर कीमत पर ये पृथ्वी लोक का गोला। बालवीर, तुमने तो कहा था कि एलियन से जीतना आसान होगा, लेकिन अब तो उन्हें देखकर समझ में आ रहा है कि इनसे मैच जीतना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, तुम सबने वो कहावत तो सुनी ही होगी, थोथा चना बाजी गन। मतलब बेवकूफ, तुझे इस कहावत का मतलब पता नहीं है? तो आप बता, थोथा चना बाजी गना का मतलब है? थोथा चना बाजी गना। मोंटू, तू टेंशन में चुप रहेगा या मुझसे पिटेगा? चुप रहूंगा। बेटा, इस कहावत का मतलब है, जो लोग खोखले होते हैं वो शोर ज्यादा करते हैं, जैसे कि ये परग्रहवासी। पर बालवीर, पता नहीं उन्हें देखते ही जी खट्टा हो जाता है। नहीं नहीं, हमें इसे डरने की जरूरत नहीं, हमें इनका मुकाबला करना होगा, और वो भी जी जान लगाकर। और हमारी पृथ्वी को किसी भी हाल में बचाना होगा। ये लो मनीष, ऐसी गेंदबाजी करना कि दुश्मन के छक्के छूट जाए। सामने आओ, दशात और फौलाद। उंगी उंगी उंगी, जाओ और अपनी बैटिंग से बजा दो इन पृथ्वीवासियों की पुंगी। बैठ दो। पता, आज हमें काम करने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा। लेकिन डरी परी, हम थोड़ी ना कोई काम करने जा रहे हैं, हम तो यहाँ आराम से बैठकर खेल प्रतियोगिता का आनंद लेने जा रहे हैं। ये! आप परियो, आपके साथ साथ लेंगे हम भी खेल का आनंद, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। वो कैसे? होगा जैसे ही विद्रोही दल का कोई खिलाड़ी धराशायी, करेंगे हम नृत्य ऐसे।
और करेंगे बालवीर की हौसला अफजाई। ये चलो चलो डुबा डुबाओ, अब अपनी अपनी जगह पे बैठो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हे ठीक है। कोई बात नहीं मनीष, ये पहली बॉल थी, लेकिन आगे की 5 बॉल संभाल कर डालना, ठीक है? वेरी गुड। चलो मनीष, कम ऑन मनीष, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं। चलो जाएगा जाएगा मनीष, कम ऑन, कम ऑन मनीष। मुझे कि नहीं मिलेगा हमें मौका नाच नाच कर खुशियां मनाने का इस प्रतियोगिता में। डुबा डुबा एक, इस तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी तो प्रतियोगिता शुरू हुई है, अभी तो बहुत सा खेल खेला जाना बाकी है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ डुबा डुबाओ, आप चिंता मत कीजिए, हमें पूरा विश्वास है कि ये खेल बालवीर का दल ही जीतेगा। दोस्तों सब एक तरफ आ जाओ। नील, मैंने जिस तरफ सारे खिलाड़ियों को खड़ा किया है तुम उसी तरफ गेंद फेंकना, ठीक है? चलो कम ऑन नील, कम ऑन, कम ऑन नील, यू कैन डू इट, कम ऑन नील, यू कैन डू इट। मटोल, ये सब क्या हो रहा है? चुप रहे हैं? मेरा मतलब खेल से, आप खेल में बेमानी कर रहे हैं, जादू का सहारा ले रहे हैं, ये नियमों के विरुद्ध है। थियम थियम थियम
नया लोग, नए लोग, नए नियम। हम तो ऐसे ही खेलेंगे। तुम्हें नहीं खेलना, तुम्हारी मर्जी। ला ला ला, खेलो हमारे हिसाब से, वरना हम गोला लेकर जाएंगे अपने घर। ठीक है राजा हसपट, तुम्हें जादू का उपयोग करना है तो करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम चाहे जितने भी बेईमानी कर लो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की होगी। चलो बच्चों, खेल शुरू करो। डर गया। अरे इस दशात के लिए हम कैसे फील्डिंग सेट करें? ये तो अपने किसी भी हाथ से कहीं भी शॉट मार रहा है। मेरा तो इस ओवर को पूरा करने के बारे में सोच के ही जी खट्टा हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ला बॉल दे, मैं तेरी ओवर कंप्लीट करता हूं। नहीं, नहीं। अरे यार ये तो फिर भी कुछ नहीं है, तेरे ओवर पे तो सब 4 जा रहे हैं, मेरे ओवर पे तो सब 6 जा रहे थे, फिर भी मैंने ओवर कंप्लीट की ना। चल अभी तू भी कर, कम ऑन। विरोधी दल तो जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, ये ठीक नहीं है।
कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। हम भाग कर नहीं पैदल जाएंगे। रानी परी माँ परियो दरअसल हाँ बालवीर, हम सब जानते हैं, हमने पूरा खेल देख लिया है। हम समझ गए हैं कि राजा हसपट के दल ने जादुई शक्तियों का प्रयोग करके इतने सारे रन बनाए हैं। बालवीर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब परियां पृथ्वी लोक में आकर अपने जादू से इन बच्चों की प्रतियोगिता को जीतने में उनकी सहायता करेंगे। हाँ बालवीर। नहीं रानी परी, मैं नहीं चाहता कि इस खेल में परियां बच्चों की मदद करें, वरना ये बेमानी होगी और मैं बेमानी करके खेल नहीं जीतना चाहता। लेकिन बालवीर, शरारती लोग के प्राणी भी तो जादू का सहारा लेके बेईमानी कर रहे हैं। हाँ बालवीर, यदि वो लोग पृथ्वी लोक को नष्ट करने के लिए बेईमानी कर सकते हैं, तो क्या आप पृथ्वी लोक को बचाने के लिए बेईमानी का सहारा नहीं ले सकते? नहीं परी, अगर हम सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं, बेईमानी का सहारा लेंगे तो सच्चाई और अच्छाई पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हमें राजा हसमडोल से जीतने का कोई और उपाय ढूंढना होगा। बालवीर, तुम कह रहे हो कि हम परियां खेल के बीच में बच्चों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चों को शरारती लोग के प्राणियों जैसे जादू और हुनर तो दे सकते हैं ना? हाँ बालवीर, इससे दोनों दल बराबर हो जाएंगे और खेल की गरिमा भी बनी रहेगी। बालवीर, सारी परियां बिल्कुल सही कह रही है। अगर पृथ्वी लोक को बचाने के लिए हम बच्चों को थोड़ी सी जादुई शक्तियां दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेईमानी कर रहे हैं, बल्कि हम सच्चाई और अच्छाई का ही साथ दे रहे हैं। इसलिए मान जाइए बालवीर, यही सही रास्ता है। ठीक, लेकिन ये सब होगा कैसे? ऐसे ये सब क्या है नटखट परी? बालवीर, इन चीजों की मदद से बच्चे शरारती लोग के प्राणियों को बराबर की टक्कर देंगे और इनका उपयोग करने से सच्चाई और अच्छाई पे कोई आंच नहीं आएगी। हाँ बालवीर, अब जो इस खेल को सबसे अच्छा खेलेगा वो इस प्रतियोगिता को जीतेगा। बालवीर, इन नए क्रिकेट कॉस्ट्यूम में स्पेशल क्या है? ये तो नॉर्मल कॉस्ट्यूम जैसा ही है। हाँ, ये बैट और ये बॉल, ये भी तो नॉर्मल है। इससे अच्छा आपने मुझे बोला होता, मैंने ना मेरे पापा को कहकर सबसे महंगी वाली बैट बॉल मंगाई होती। हाँ।
ये क्या था बालवीर जी? सिर्फ इतना ही नहीं, और भी है। मानव पकड़ो। बालवीर ये तो कमाल हो गया, कमाल के जूते हैं। दोस्तों अब तुम्हारे पास भी ऐसी शक्तियां हैं जिससे तुम दुश्मनों को धूल चटा सकते हो, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ शक्तियां ही काफी नहीं है, तुम्हें शक्तियों के साथ साथ चाहिए हिम्मत, जज्बा और हौसला। दोस्तों अगली 60 गेंदे सिर्फ गेंदे नहीं है, जिंदगी है वो हमारी। अब पृथ्वी लोक का अस्तित्व और हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। और इसीलिए इस खेल को खेल समझकर नहीं, अपने जिंदगी की आखिरी लड़ाई समझकर खेलना, जिसमें तुम्हारे पास जीतने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तो क्या तुम सब ये कर सकते हो? हाँ बालवीर। मेरे बलशाली तेज धार, जा दिखा दे अपनी गेंदबाजी की तार, जा। डरी परी, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बालवीर के दल ने खेल की बहुत अच्छी शुरुआत की है।
हाँ रोहित, तुम दो दो बल्लों से खेलोगे। गन चक्कर गेंद को बहुत अच्छे से घुमाता है, लेकिन तुम इन दोनों बल्लों से हर घूमी हुई गेंद को सीधा कर दोगे। ओके बालवीर जी। रोहित, रन बनते रहना तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये, यस। मनीष, अब तुम जाओगे बल्लेबाजी के लिए। जाओ। तू? नहीं बालवीर जी, बल्लेबाजी तो मैं करूंगा और इन एलियंस को ऐसा दूंगा कि वापस क्रिकेट का नाम ही ना ले। मोंटू सुनो, रिम जिम रिम जिम रिम जिम। अब बॉलिंग करेगी मेरी सबसे स्पेशल बॉलर टिम टिम। ये लो जाओ। आजा आजा, मैं हूँ राजा। मैं क्यों पकड़ूं कैच, तू आके पकड़।
क्यों नहीं रहा बालवीर? चाहिए था ना अभी उसे ही खेलने। नहीं डुबा डुबा, बालवीर जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये खेल आखिरी गेंद तक भी जा सकता है और उस समय इस खेल पर जो दबाव होगा उसे बालवीर से अच्छा और कोई नहीं संभाल सकता। कॉप कॉप कॉप, अब बॉलिंग करेगा मेरा खास बॉलर। स्टॉप, खेले स्टॉप ऑन स्टॉप ऑन करके ले ले सारी विकेट, चल। लेकिन संभल कर खेलना और एक बात याद रखना, तुम्हें जल्दी आउट नहीं होना है। समझ गई बालवी। ये राजा कौन सी नई चाल चलने वाला है? मोंटू रन ले! अरे महल छोड़ ना, ये पक्का चौका है।
पल पल अब ये उठेगी कल। राजा के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुको मानव, अगर राजा को जवाब देना है तो खेल खेल कर दो। तुम बल्लेबाजी की पारी संभालो और मेरी जगह मनीष खड़ा हो जाएगा। तब तक मैं मेहर को जल्द से जल्द अस्पताल छोड़कर आता। लेकिन बालवीर, बाय चांस मानव ने रन ले लिया तो मैं तुम्हारी जगह रन तो ले लूंगा, लेकिन तुम्हारी जगह बैटिंग कैसे करूंगा? मैं तो आउट हो चुका हूँ। नहीं मनीष, चाहे जो भी हो जाए लेकिन मेहर को इस हालत में छोड़कर मैं ये खेल नहीं खेल सकता। चलो मैं। नहीं बालवीर, मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे अपनी टीम को जीतते हुए देखना है। पृथ्वी का गोला मेरे पास लेकर आओ, जाओ। नहीं, अभी तक मैच खत्म नहीं हुआ है, अब भी एक विकेट बाकी है। We'll be right back.
फिक्स फिक्स, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं लगने दूंगा लास्ट बॉल पे सिक्स। डार्जी डार्जी डार्जी, अब सारे मिलकर डालो इस बॉल में अपनी जादुई एनर्जी। आरी आरी आरी, हम सबके एनर्जी से ये बॉल हो गई बहुत भारी। अब ये छक्के तक तो क्या, चौके तक भी नहीं पहुंच पाएगी। ये लो बॉल और लग जाओ काम पे, सब चलो अब नीचे, छक्का नहीं लगना चाहिए, सब सीमा पे। सबको बहुत बहुत बधाई कि हम ये प्रतियोगिता जीत गए। हमने सिर्फ ये प्रतियोगिता नहीं जीती है बल्कि पृथ्वी और उसके अस्तित्व को भी बचाया है। ये पृथ्वीलोक का गोला कहाँ चला गया? अच्छा हॉस्पिटल भी यहाँ नहीं है, वो कहाँ चला गया? कहाँ गया तुम्हारा राजा? राजा हॉस्पिटल भाग गया। और पृथ्वी लोक का गोला कहाँ पर है? पृथ्वी का गोला जाने वाला है ब्लैक होल में। अब ये पृथ्वी लोक का गोला जाएगा ब्लैक होल में और ये पृथ्वी लोक नष्ट हो जाएगा। रुक जाओ राजा हॉस्पिटल, मेरे होते हुए तुम पृथ्वी के गोले को नष्ट नहीं कर सकते। पकता पकता पकता, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए मैं इस राजा की जान नहीं ले सकता। आ!
शुक्रिया बालवीर, आज तुमने मेरी घमंड और मुग्धता से ढकी आंखों को खोला। कर दो मुझे माफ और ये लो अपनी पृथ्वी लोक का गोला। शुक्रिया राजा। चलो डुबा 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 डुबे सुनिए जी बालपरी, बालपरी हमारी बात तो सुनिए जरा। हाँ बाकी आते हैं डुबा डुबा उस तरफ ना बहुत काम। अरे बालपरी सुनिए तो हमारी रंग बिरंगी विजदार रोशनी तैयार। विजदार परी हम कह रहे थे कि नटखट परी आपको जो भी कहना ना वो बाद में कहिएगा, क्योंकि अभी मेरी रंग बिरंगी विजदार रोशनी लगाने का कार्य बाकी है, तो हम आपको बाद में मिलते हैं। अरे विजदार परी सुनिए तो। परियो 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 सुनिए, बालवीर ने ऊर्जा लोक की सारी परीक्षाओं को पार कर लिया है और ऊर्जा लोक की परियों ने उन्हें दो नई शक्तियां भी दी है। बालवीर किसी भी समय यहाँ पहुँचते ही होंगे। अरे वाह, फिर तो हमें परीलोक में बालवीर के भव्य स्वागत की तैयारियाँ और भी तेजी से करनी चाहिए, है ना? हाँ अर्पण परी चलिए। आर पार परी से पूछती हूँ। डुबा डुबा आगे बढ़ो, डुबा डुबा आगे बढ़ो, डुबा डुबा आगे बढ़ो। अब ठीक तो है ना? अभी नहीं, हाल पूछना बाद में है, अभी बहुत सारे काम बाकी। आप हमारी बात तो सुनिए जरा। नहीं नहीं बाद में। अरे है अभी बहुत सारे काम बाकी, सुनिए तो। अब बाद में। अरे नटखट परी सब ठीक तो है ना यहाँ पर? हाँ भटकाती परी सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि ये सजावट मैं कहाँ करूँ? आप परीलोक को जैसे भी सजाएंगी बालवीर को अच्छा ही लगेगा, है ना? हाँ परी तो जल्दी कीजिए क्योंकि हमारे बालवीर के आने का समय हो गया है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। आइए सर, बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये सर। हाँ देखिए यहाँ पर एक्सकवेशन का काम चल रहा है, आगे भी ऊपर भी एक्सकवेशन चल रहा है। बच्चों एक बहुत ही जरूरी बात, यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाना मना है और बिना हमारे साथ के किसी भी जगह में जाना मना है। समझ गए? और बच्चों ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर 1000 years ago यानी कि 1000 साल पहले कोई खतरनाक पावरफुल शक्ति कैद हो गई थी। तो सर क्या हम आज भी कोई दूसरी खतरनाक और पावरफुल शक्ति को कैद कर सकते हैं? किसको? अबे बोल, बहुत मन है तुझे उस शक्ति से मिलने का। जो शक्ति अंदर कह देना उसको बाहर निकालू। बोल सलोनी, कोई खतरनाक शक्ति बाहर तो नहीं आ गई? नील कोई बाहर नहीं आएगा तो डर मत। चलिए सर चलते। बच्चे संभल के। सलोनी एक मिनट रुक। Thank you.
छुप गया। बच्चों, हमारी रिसर्च बताती है कि यहाँ से जो आवाजें आती रहती है वो इस बात का संकेत है कि यहाँ पे जो भी चीज सदियों से दबी हुई है वो अब यहाँ से बाहर आने के काफी पास पहुंच गई है। देखा सुनी, मैंने कहा था ना? मेरे पाँव कैसे अपने आप निकल गया? मम्मा! बच्चों, ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ जाना मना है। आइए सर, हम उस तरफ चलते हैं। हाँ, वहाँ भी जानी है। आइए। यहाँ पे तो सच में जमीन के अंदर से ठोकने की आवाजें आ रही हैं। पकड़ा मुझे। मैं आपको मुक्का नहीं मारूंगा, मैं तो खुद को मुक्का मारूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मेरे कान भी पकड़ रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। सॉरी सॉरी, लो मैं मुक्का मारो, मैं तेरी तो माफ कर दो, माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी सॉरी, छोड़ दो मुझे। ऐसे नहीं, अपना सर जमीन पर टेक कर माफी मांगो। अरे खतरनाक शक्ति, मेरा पेट बीच में आ रहा है। तो मैं जमीन पर टेक नहीं सकता, मैं ऐसी माफी मांगता हूँ ना। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। कर दिया, तुम आजाद हो। थैंक यू थैंक यू। ए ए ए, मस्ती नहीं मस्ती नहीं। अब तुम लोग ये जगह को अच्छी तरह से देख लो, हम लोग 10 मिनट में यहाँ से निकलने वाले, ताकि और भी स्कूल वाले आ सके यहाँ पे देखने के लिए। ओके सर। ओके, चलो 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 वहां पे देखते। ए पिद्दियो, हंसना बंद करो। वो तो मैं बस तुम सबको दिखा रहा था कि डरा कैसे जाता है। हाँ अच्छा, एक्टिंग कर रहा था तो दोबारा करना एक्टिंग। हमें तेरी डर वाली एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही थी। मैं मुक्का मारते हुए बहुत अच्छा लगता हूँ, दिखाओ। बस हमें डरा, अगर हिम्मत है तो वहां जाके दिखा, जा जाना मना है। हाँ हाँ, मैं जाऊंगा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ी डरता हूँ। चल रोहित। ओके बॉस, आप नहीं डरते पर मैं बहुत डरता हूँ, आप अकेले जाओ, मैं नहीं आ रहा। अरे रोहित, तू मेरे साथ चलेगा तो अच्छा हो जाएगा ना मेरे लिए, मतलब तेरा डर दूर हो जाएगा है ना, तू डरपोक नहीं रहेगा। नहीं बॉस, अरे बॉस मैं नहीं आ रहा। अब बॉस नहीं बॉस। अद्भुत, अति सुंदर।
परियों, आपने बालवीर के आने की खुशी में पूरे परिलोक को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। सावधान परियों, लगता है कोई बुरी शक्ति परिलोक की तरफ बढ़ रही है। रानी परी, कोई था यहाँ पर जो अभी अभी हमारे सामने से गुजरा। हाँ रानी परी, वो इतनी तेजी से हमारे सामने से गए कि हम एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं देख पाए। परियों, सब लोग अपने हाथ पे देखिए। बालवीर के पोशाक के टुकड़े हैं। लगता है इस बुरी शक्ति ने यहाँ आने से पहले बालवीर पर आक्रमण किया है। सावधान परियों, ये शक्ति चाहे जो कोई भी हो, लेकिन इस बार हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकती। मैं वहां नहीं, मैं यहाँ हूँ। We'll be right back.
बालवीर, ये कैसा मजाक है? हमारे वार से आपको चोट पहुंच जाती तो क्या होता? माँ, आपके प्यारे बालवीर को आपसे सिर्फ प्यार मिल सकता है, जख्म नहीं। परियों, आप सबने अभी जो देखा वो मेरी दो नई शक्तियां हैं, जो ऊर्जा लोक की परियों ने मुझे दी है। मेरी पहली शक्ति ये है कि मैं समय से भी तेज भाग सकता हूँ। बालवीर, आप तो बहुत ही तेज भाग सकते हैं आप। डुबा डुबा, वो सजावट का गोला तेजी से मेरी तरफ फेंको। हैडिक, भूल आता अभी मैं गेंद। देखा, मैं अपनी दूसरी नई शक्ति से किसी भी वस्तु की गति को धीमा कर सकता हूँ। बालवीर, हम आपके इस नए रूप और नई शक्तियों को देखकर बहुत खुश हैं।